नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। बीते 15 जनवरी की शाम दो लड़की का अपहरण का मामला सामने आया था, जिसमें से कल एक लड़की की गांव के ही चौर में बना ईंटा भट्टी का गड्ढा, उसमें से शव बरामद किया गया। उसी गड्ढे के बगल में बना एक और गड्ढा, जिसमें से दूसरी लड़की का शव बरामद किया गया है। इस पर तत्कालीन प्रभारी रेलवे के एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि उसकी भी हम समीक्षा करेंगे। 15 जनवरी के उसकी हमको लिखित आवेदन मिला है। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकता है कि मौत का कारण क्या है। पुलिस को जो जानकारी परिवार के द्वारा बयान में मिला है, पहले दृष्टि में उसी जानकारी से छानबीन की जा रही है और एक टेक्निकल टीम भी गठित की गई है, जो पूरी जांच पड़ताल कर एक दो दिन के अंदर किन कारणों के वजह से ऐसी घटना घटी है उसका पता चल सकता है। इस पर अभी तक कोई भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस मामले को मैंने समीक्षा किया है उसको, और उसके परिजनों ने 15 तारीख को लिखित आवेदन दिया था। एक 15 वर्ष की बच्ची है और एक 14 वर्ष की बच्ची है। दोनों का डेड बॉडी जो है पानी में मिला है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि मृत्यु के क्या कारण हैं। और जो परिजनों ने बताया है प्रथम दृष्टया, उसको आधार बना के पुलिस अनुसंधान कर रही है और हम लोगों का एक टेक्निकल टीम है, उसका भी हम लोगों ने भेजा है। और जो भी साक्ष्य वहाँ पर संकलित किए जा सकते हैं वो करके हम लोग एक दो दिन के अंदर इसका खुलासा करेंगे किस वजह से क्या हुआ। अभी तक इसमें कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई है? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कुछ शंका लोगों ने व्यक्त किया है, तो हम लोग उस बिंदु पर काम कर रहे हैं।